तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आम आदमियों पर एक बार फिर से महंगाई की मार। इस महंगाई के दौर में दैनिक जरूरतों के साथ खाने पीने वाली चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। पिछले दिन मदर डेयरी ने अपने दूधों के पैकेट्स के दाम बढ़ा दिए थे, तो इसी बीच अब खबर आ रही है कि नेस्ले ने कॉफी लवर्स को झटका दिया है। कॉफी की जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं। नेस्ले ने मिल्क पाउडर के दाम जो है वो बढ़ा दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो एक्चुअल प्राइस है वो लागू हो चुके हैं। चाय, कॉफी, दूध और नूडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो की गई है। कॉफी कंपनी ब्रू इंस्टेंट कॉफी पाउच अब 3 रुपए से 66% तक जो है वो महंगा हो गया है। ताजमहल चाय की कीमतों में 3.7% से 5.8% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ब्रूक बॉन्ड 3 गुलाब के वेरिएंट वर्तमान में पैक और वेरिएंट में 1.5 से लेकर 1.4% जो है वो महंगे हो गए हैं। प्रोडक्ट्स के दरों में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए HUL ने कहा कि वह अपने प्रोडक्ट्स पर महंगाई के दबाव का सामना जो है वो कर रहा है, इसके चलते जो है दाम बढ़ाए गए हैं। रिपोर्ट में पता चला है कि नेस्ले ने भी A+ दूध 1 लीटर कार्टन की कीमत 75 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए जो है वो कर दी है। 3 रुपए बढ़ गए हैं। नेस्ले क्लासिक कॉफी पाउडर 3% से 7% तक महंगा हो गया है। नेस्कैफे का क्लासिक 25 ग्राम पैक 78 रुपए से 2.5% बढ़कर 80 रुपए का हो गया है, जबकि नेस्कैफे क्लासिक 50 ग्राम पैक 3.4% से बढ़कर 145 रुपए से 150 रुपए हो गया है।